द पीरियड नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं 2882, अगर आप इनको प्लस करें तो 20 आता है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो आमतौर पर एलिमेंट्स कैसे ही पता चल जाता है, और अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पूछें तो आपने इसको डबल कर देना है। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, ये जो 2 लिखा हुआ है 2 की वजह से। फिर आगे देखें 8, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ भी आपके पास 2 आता है, कि जहाँ एस है उसके ऊपर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो एस के बाद फिर पी आ जाएगा। पी में 6 होते हैं मैक्सिमम, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6। पहले एस फिल करेंगे तो फिर पी की तरफ जाएंगे। ये देखें जी 1s2, ये पहला शेल कंप्लीट हो गया, इसमें एक ही सब शेल होता है एस। जो दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी, ये दूसरे की वजह से ये 2 लिखा हुआ है। तो एस में मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही होते हैं, अब टोटल 8 थे, बाकी 6 बच गए, तो पी में 6 आ गए। नेक्स्ट देखें, ये थर्ड है आपके पास, इसी तरह 3s2 एंड 3p6, 8 पूरे हो गए। तो नेक्स्ट जो है वो 4s2 आ गया। ये कैल्शियम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो 20 जो एटॉमिक नंबर है वो कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम जो है पीरियडिक टेबल के पीरियड नंबर 4 में मौजूद होता है। इट्स पीरियड नंबर इज 4 इन द पीरियडिक टेबल एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 20।